जेडीएस के रियासती नायब सदर सैयद जफर हुसैन ने अलन के मशहूर दरगाह हजरत लाडले मशायख अंसारी के आस्थाने पर हाजिरी दी। इस मौके पर इन्होंने मुल्क में भाईचारगी और अमन व अमान के लिए दुआ की। अलन शरीफ में वाक़े हज़रत शेख मखदूम अलाउद्दीन अंसारी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ लाडले मशायख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स बड़े धूमोधाम से मनाया जाता है। इस उर्स में तमाम मजाहब के अफराद शिरकत करते हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, तमाम मजहब के मानने वाले इस आस्थाने पर पूरे अकीदत व एहतराम के साथ हाजिरी देते हैं। सियासी जमातों के लीडरान भी हजरत लाडले मशायख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के मोतखिद हैं। जेडीएस के सीनियर लीडर व पार्टी के नायब सदर सैयद जफर हुसैन भी हजरत लाडले मशायख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के मोतखिद हैं। इनका कहना है कि कई बरसों से हर बरस सूरज शरीफ में शिरकत करते हैं। सैयद जफर हुसैन ने बताया कि वो जब भी किसी भी काम के लिए अलंद आते हैं तो दरगाह शरीफ पर हाजिरी दिए बगैर वापस घर नहीं लौटते। आज लाडले मशायख अंसारी का आज जो 663वां उर्स के मौके पर मैं तमाम मेरे अलंद के और डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के आवाम को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि लाडले मशायख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा मर्तबा है। इसके लिए आज जो हवालियाँ हो रहे हैं, मैं अब्दुल हमीद साहब सदर और उनके वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर्स को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। मैं मेरे पूरे लाडले मशायख अंसारी के जो कमेटी है, कमेटी को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं, और मेरे माँ और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो भी है, आज लाडले मशायख अंसारी का जो उर्स है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत होकर मुबारकबाद देता हूँ।